इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम जनता न्याय मांगने कहां जाएगी, जहां एक और पुलिस के अधिकारी स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हुए बेहतर न्याय दिलाने का हवाला देते नहीं थकते, वहीं कुंभदे के 2 पुलिस कर्मियों ने 14 लाख रुपए की हेराफेरी करने में जांच के घेरे में आ गए हैं, जिससे अब आला अधिकारी पूछताछ में जुटे हैं। दरअसल यह मामला चंदननगर थाना क्षेत्र का है, जहां 25 दिसंबर को अंकित जैन निवासी स्कीम नंबर 71 के रहने वाले व्यापारी द्वारा 14 लाख रुपए एक पैकेट बनाकर पंजाब ट्रेवल्स की बस में ड्राइवर को दिए गए थे। यह रुपया अहमदाबाद के व्यापारी कन्हैया लाल को देना थे, लेकिन जब कन्हैया लाल के पास रुपए नहीं पहुंचे तो पूरे मामले में व्यापारी ने चंदननगर थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत के आधार पर ड्राइवर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। ड्राइवर ने कहा कि जो पार्सल था वह 2 पुलिसकर्मी अपने साथ ले गए। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मी की शिनाख्त के लिए पुलिसकर्मियों की परेड कराई गई, जिनमें से दोनों पुलिसकर्मियों की पहचान हुई, जिनका नाम दीपक यादव और योगेश चौहान है। दोनों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने पहले तो रुपयों की हेराफेरी और पार्सल के बारे में बताना मना कर दिया। इसके बाद आला अधिकारियों के निर्देशन में पूरे मामले में दोनों पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वहीं अब तक रुपए बरामद नहीं हुए हैं। चंदननगर थाना क्षेत्र में दिनांक 25 को एक फरियादी के माध्यम से मामला पंजीबद्ध कराया गया था कि उनके द्वारा उनके व्यापार के लगभग 14 लाख रुपए एक पार्सल में रख के बस के माध्यम से अहमदाबाद भिजवाए जा रहे थे और जिनको भिजवाए गए थे पैसे उनके पास पैसे नहीं पहुंचे। पैसे नहीं पहुंचने पर उनके द्वारा शिकायत करी गई तो मामला पंजीबद्ध किया गया था अमानतमय खयानत का। इसमें बस के ड्राइवर द्वारा और बाकी लोगों से पूछताछ करने के दौरान में कुछ तथ्य ऐसे सामने आए जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की संलिप्तता पाई गई और उसमें जांच करने के बाद में और शिनाख्त परेड कराने के बाद में ये चीज़ सामने आई कि ये 2 चंदननगर थाने के पुलिसकर्मी जिनका नाम योगेश और दीपक है उनकी संलिप्तता थी। उनके द्वारा बस को रोका गया और बस में रखा हुआ पार्सल ज़बरदस्ती उनसे लेके चले गए, जिसकी ना किसी प्रकार से जब्ती बनाई गई है ना ही कोई वैधानिक कार्रवाई करी गई है, जिस पर से उनके विरुद्ध 392 लूट का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और उनकी गिरफ्तारी करी गई है। सर, ये पार्सल किसके द्वारा भेजा गया, किसके थ्रू साथ भेजा गया था और पहले अमानत में खयानत किसके खिलाफ दर्ज हुआ था? ये पार्सल यहाँ के एक व्यापारी है नोवल्टी मार्केट के, अंकित जैन करके, उनके द्वारा अहमदाबाद में कन्हैया लाल जी को भेजा जा रहा था। ये पंजाब ट्रेवल्स की बस है, उसके माध्यम से भेजा जा रहा था। इनिशियली ये मुकदमा नरेंद्र तिवारी जो कि बस के ड्राइवर थे उनके विरुद्ध में अमानत में खयानत का बना था, परंतु जांच के बाद में अभी जो 2 नए नाम सामने आए हैं उनके विरुद्ध में हमने नामजद वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे जांच जारी है, अभी जो चोरी किया या लूटा गया मशरूका है उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है, वो अभी उसमें जांच जारी है। अभी तक तो जो साक्ष्य परिस्थिति जन्य हमारे पास सामने आए हैं उसके अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। धारा कौन सी लगी? 392 IPC। पार्सल में सर क्या सामान था और क्या हवाला था इसमें, इसके पीछे? अभी मामले की हर प्रकार से जांच की जा रही है। ये पैसा वैधानिक पैसा था या किसी और अन्य सोर्स का पैसा था इसके बारे में जांच की जा रही है। सभी प्रकार के बिल्स इसके देखे जा रहे हैं। इनकम टैक्स को भी हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि वो अपने लेवल पे इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर कार्रवाई कर सकें। ये दोनों पुलिसकर्मी आरक्षक हैं चंदननगर थाने के और इनके द्वारा ये बीट भ्रमण के दौरान बस को रोका गया, बस के ड्राइवरों से बातचीत करके इस पार्सल के संबंध में पूछताछ करी गई और पार्सल को अपने कब्जे में लेकर वहां से चले गए। बस ड्राइवर जो नरेंद्र तिवारी है उसके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था तो उसने तत्काल सूचना क्यों नहीं दी कि पुलिसकर्मी कैसे? अभी इन सभी चीजों की जांच की जा रही है। नरेंद्र तिवारी का नाम अभी हटाया नहीं गया है अपराध से, उनके ऊपर भी जांच जारी है। जितने भी संदेहास्पद तथ्य सामने आ रहे हैं उन पर से जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पहचान कैसे हुई, क्या लाइन में खड़ा किया गया? अभी जो मजिस्ट्रेट के द्वारा शिनाख्त परेड होनी है वो अभी बची हुई है। अभी फिलहाल प्राइमा फेसी हम लोगों ने जांच करवाने पे उनकी शिनाख्ती हो पाई है। सर, जो पैसा जो बुक कराया था वो ये बता के बुक कराया था कि वो पैसा है या बिना बताए पार्सल बुक कराया? ये मिठाई का डब्बा भेजा जा रहा है यह बता के पार्सल बुक कराया गया था, ये
ड्राइवरों को और ट्रैवल्स वालों को नहीं मालूम था कि उसके अंदर में पैसा है। सर, पुलिस वालों को किस तरह से इसकी जानकारी? अभी ये सब चीजों की जांच जारी है, सब प्रकार से टेक्निकल एविडेंसेस को भी देखा जा रहा है, जिस जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी उनके अनुसार उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, तत्कालीन टीआई मनोज मिश्रा जी ने भी इनका नाम दिया था और एमएमसी में रिपोर्ट दी थी और आपको भी सबमिट करा था, इसके बाद भी लाइन को लाइन अटैच करा गया था और इस तरह के खुफिया जो डिपार्टमेंट में खुफिया की जो टीम काम कर रही है उसमें लगातार वो उसी थाने पे लौट के पुलिस कर्मी आ जाते हैं वापस उसी जगह पे और उनका कहीं ना कहीं अपराधियों से हैंडगार्ड भी रहती है, सर उसके खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जिस संबंध में आप बात कर रहे हैं उस संबंध में ऑलरेडी जांच जारी है, एसीपी के पास में जांच लंबित है, उसके ऊपर भी जो विधिवत विभागीय कार्रवाई है वो की जा रही है।